नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान प्रिंसिपल और महिला शिक्षा मित्र के बीच का एक विवाद का वीडियो सामने आ रहा है और इसी दौरान शिक्षा मित्र ने बताया कि अकेला पकड़ गलत वारदात को अंजाम देने की कोशिश करने लगा था और शोर मचाने पर वह भाग निकला है। यह पूरा मामला है जो संभल से निकल कर आ रहा है, जहाँ पर इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें महिला शिक्षा मित्र प्रिंसिपल को दौड़ाती दिखाई दे रही है। इसी दौरान दोनों में छीना झपकी हुई है, ऐसे में सहयोगी शिक्षाएँ भी प्रिंसिपल को दौड़ाती दिखाई दे रही हैं। पूरा मामला संभल के कोड फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के खमरिया गांव में प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। महिला शिक्षा मित्र ने पुलिस में छेड़खानी सहित गलत वारदात को अंजाम देने की तहरीर दर्ज करवाई है और पुलिस ने प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। युवती ने बताया कि 18 अगस्त को सुबह 8 बजे वह विद्यालय पहुंची, अटेंडेंस रजिस्टर में हस्ताक्षर कर रही थी, तभी अचानक से प्रिंसिपल केशव दत्त शर्मा वहाँ पर आते हैं और इसी दौरान गलत वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही उसने शोर मचाया तो गाँव सहित अन्य टीचर्स भी वहाँ पर पहुंचते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान दोनों का एक वीडियो भी सामने आया है जिसके दौरान वह मौके से फरार हो गया है। अब शिक्षा अधिकारी सहित पुलिस के रिपोर्ट दर्ज करवाई है जिसके दौरान अब पूरा एक्शन लिया जाएगा। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।